आज का मौसम बहुत ही खतरनाक है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो मौसम अच्छा हो चुका लॉकडाउन में, प्रकृति अच्छी हो चुकी है, आदमी की हालत खराब हो चुकी है। तो जो मनुष्य जाति के लोग हैं उनकी हालत खराब हो चुकी है, जो जीव जंतु हैं उनकी हालत अच्छी हो चुकी है। अभी बज रहा है 8:30, तो आधे घंटे बाद रामायण चालू हो गई और रामायण चालू हो चुके हैं। मैं रामायण देख रहा हूँ, ये देखो तो अभी रामायण खत्म हो चुकी है। आप लोग रामायण देखिए और कुछ ना कुछ सीखिए, क्योंकि रामायण में बहुत कुछ है सीखने के लिए। हर चीज़ जो आजकल हम लोग पालन नहीं कर रहे, हर चीज़ सीखने को है यहाँ पर, हर चीज़ बताई जाती है, दिखाया गया है क्या अच्छा है क्या बुरा है। और उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई गई है कि लड़ाई करनी पड़ती है कि ये झूठ है ऐसे बोलने के लिए। ये आजकल जो चल रहा है ये रामायण में सब दिखाया गया है। तो देखिए बहुत कुछ और अच्छी चीज़ें बताई, हर चीज़ जो आजकल लोग बोलते हैं कि ऐसा क्या है रामायण में क्या देखने को मिला, आप लोग देखिए तो सही, सच बोल रहा हूँ। अगर आपने अच्छे से देखा और उसको अप्लाई करा, अप्लाई तो नहीं करेंगे लोग देख के, बोले मनोरंजन के लिए देख रहे हैं उसको, अगर आपने देखा और अप्लाई करा बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ अप्लाई करने को, ये पूरा इंडिया बदल जाएगा अगर हम लोगों ने उसको अप्लाई करा। कि कैसे एक भाई दूसरे भाई के कहने पर जाता है, उसे पता होता मेरा भाई गलत है लेकिन फिर भी जाता है। तो दिखाया गया है कि धर्म अधर्म अच्छा बुरा बोलते ना मोदी भक्त, वो भी है उसके अंदर कि भक्त क्या होता है, ज्ञानी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बताई है अच्छी। और छोटा छोटा बड़ा मतलब जाति वात या सब कुछ नहीं दिखाया गया, जैसे यहाँ पे लड़ते रहते हैं छोटी जाति बड़ी जाति सब कुछ नहीं दिखाया। और राम जी ने सबरी के झूठे हुए कहे थे, राम भगवान ने, उससे बड़े तो नहीं हो सकते आप लोग। बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ देखिए तो सही, आप एक बार भाव खुल जाएंगे आपके, और अप्लाई करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट मार दो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय गाइस, बाय। Thank you.